नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज हम बात करेंगे मधेपुरा पर्यटन स्थलों के बारे में। बिहारी का नाम देश दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में फैला है। हम जिस शहर से ताल्लुकात रखते हैं वहाँ के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन बिहार के अन्य जिलों से अनभिज्ञ रह जाते हैं। बिहारी शब्द में जो एकता और संस्कृति दिखाई देती है वह सभी जिलों के विशेषताओं और ऐतिहासिक महत्व से बनी है। तो चलिए इस कड़ी में हम बढ़ते हैं मधेपुरा की ओर और जानते हैं उन खास पर्यटन स्थानों को, इसे एक विशिष्ट जिला बनाता है। श्रीनगर मधेपुरा जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी दिशा में श्रीनगर स्थित है। यहाँ वैशाल पत्थर की देवी देवताओं की प्रतिमा, निखुट नक्काशी और शिलापट दर्शनीय स्थल है। यहाँ 3000 वर्ष पुराना धरोहर है। श्रीनगर का उपभ्रंश श्रीनगर माना जाता है। यहाँ 8वीं सदी का उमा महेश का प्रतिमा लगाया गया है। इसके अलावा मौर्यकालीन बैसाल्ट चट्टान है। मंदिर के चौखट पर प्रोटो देवनागरी लिपि में अभिलेख खुदा है जो 1200 वर्ष पुरानी है। परिसर में फैला हुआ ईंट 200 ईस्वी से पाल तक का है। सिंहेश्वर स्थान, कहा जाता है कि ऋषि रिंग के आश्रम में प्राकृतिक रूप से शिवलिंग उभर आया और यह 15-16 फीट ऊंचाई तक आ गया। इस मंदिर का निर्माण 200 वर्ष पूर्व कराया गया था। कहा जाता है कि यह देश का पहला स्थल है जहां स्वयं विष्णु ने मंदिर का निर्माण कराया था। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर भारी भीड़ उमड़ती है और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उदा किशनगंज सार्वजनिक दुर्गा मंदिर, इस मंदिर की प्रसिद्धि शक्तिपीठ के रूप में है। इस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि लगभग 250 वर्षों से भी अधिक समय से यहां धूमधाम से पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आज भी विशाल मेला का आयोजन किया जाता है और पूरा मधेपुरा माता की भक्ति में लीन रहता है। 1768 ईस्वी प्रथम बार प्रसादी मिश्र पुजारी ने कलश स्थापना किया था। आज भी उन्हीं के वंशज पुजारी हैं। अब आगे हम बात करेंगे महर्षि मेही अवतरण भूमि की। भव्य सत्संग आश्रम इस जिले का मुख्य आकर्षण केंद्र है। संत शिशु सूरज के द्वार इस आश्रम का निर्माण कराया गया था। वैशाख शुल्क पक्ष चतुर्दशी को हर साल इस आश्रम में धूमधाम से सत्संग कराया जाता है। बाबा विशु राउत पचरासी धाम, यह मधेपुरा के चौसा प्रखंड में स्थित है। लोक देवता बाबा विशु राउत पचरासी धाम का भव्य मेला का आयोजन हर साल 13 अप्रैल से आरंभ होता है। यह परंपरा 200 वर्षों से चली आ रही है। इस आयोजन में बिहार के सीएम भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन भी कर चुके हैं। वहीं संख्या में लोग यहां पैदल चलकर मन्नतें मांगते हैं। इस आयोजन में लोगों का सैलाब उमड़ता है। रामनगर, यहाँ काली माता का मंदिर है जिसमें मेले का भव्य आयोजन किया जाता है। इसी वजह से यह मंदिर काफी लोकप्रिय है। वसंतपुर मधेपुरा जिले से दक्षिण में लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है। यहाँ एक किला है जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इस किला में राजा विराट रहा करते थे। यह किला द्रौपदी के अधिकार में था। विराट का साला कीचक यह किला छीन लेना चाहता था और यही पर भीम ने उसका वध भी किया था। विराटपुर, यहाँ भी देवी शक्ति का मंदिर है जो चंडिका के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें महाभारत काल से संबंधित माना जाता है। यह मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है। मंदिर के पश्चिमी में लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर ही एक पर्वत है जिसके बारे में लोगों का मत है कि कुंती और उसके पांचों पुत्र यही निवास किया करते थे। इस मंदिर में भी भक्तों की काफी भीड़ होती है। बाबा करु खिरहर के नाम से एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में लोग बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और असम से आते हैं। छठ पूजा के अवसर पर मधेपुरा में अमारी मेला का आयोजन किया जाता है। सामा चकेवा, मधेपुरा जिले का सामा चकेवा पूर्व काफी प्रसिद्ध है। यह पूरे मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह पूर्व नवंबर माह के शुरू होते ही शुरू हो जाता है और 8 दिनों तक लगातार चलता है। इस पूर्व का संबंध भाई बहनों के प्यार से है। इसके पीछे एक कहानी है। इसमें भाई और बहन को शाप से मुक्त कराता है। तो ये थे मधेपुरा के पर्यटन स्थलों के बारे में। आशा करते हैं हम कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।